चुनावी सभा में यहाँ पर मौजूद सभी मेरे सम्मानित पिता समाज बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं बहने, मीडिया के साथीगण, हमारे भाई और आपकी पार्टी के प्रमुख भाई दुष्यंत चौटाला जी, आज इनके लिए हम सारे साथी आए हैं। हमारे भाई अनूप धानक जी, दादा राम कुमार गौतम जी और मंच पर मौजूद सभी पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और मेरे साथ आए हमारे सभी साथी, मैं आप सबको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जितना जोश यहाँ पर देखने को मिला, ये इस बात को दर्शाता है कि भाई आने वाली सरकार जननायक जनता पार्टी की सरकार। अभी भाई कृष्ण जी ने सारी बातें कही कि क्या क्या जनता, हमारे जो जननायक जनता पार्टी है वो क्या क्या करने वाली है, किसान के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, छोटे व्यापारी के लिए, दुकानदार के लिए और 36 बिरादरी के लिए। और हमने भी पूरा जांच परख करके ये समर्थन दिया है। आप सबको पता है कि हरियाणा की सड़कों के ऊपर 5 साल हमने भी खूब मेहनत करी, संघर्ष किया और आखिर में कई बार हालात बन जाते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन हरियाणा की तरक्की होनी चाहिए, हरियाणा आगे बढ़ना चाहिए, हरियाणा में अच्छे लोगों की हुकूमत में साझेदारी होनी चाहिए, हरियाणा में फिर भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए, हरियाणा की माताएं बहनें सुरक्षित होनी चाहिए, यहाँ के नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए। जो 75% स्थानीय साथियों को रोजगार देने की बात भाई दुष्यंत जी ने और इनकी पार्टी ने की है। अभी ये कह रहे थे, अभी भाई दुष्यंत जी ने कहा कि बहुत से, जब चीज का उपचुनाव था तो बहुत से लोग कहते थे कि जमानत जब्त पार्टी, अरे भाई और जो गठित क्या उठाओ, हम भी कहते थे जमानत जब्त पार्टी, और लोगों की क्यों कहते हैं, हम भी ये मानते थे कि भाई इनकी जमानत जब्त होगी, कुछ तो मानते थे और कुछ विरोधी के बारे में कहते भी ऐसे ही है। लेकिन 22 दिन जब हमने उस युद्ध के मैदान में, उस महाभारत में जब देखा कि दोनों भाई बड़ी मजबूती से लगे हुए हैं और काम करने का भी तरीका है, ये तो अगर सरकार नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता का दुरुपयोग नहीं होता और पैसे का बोलबाला नहीं।
और इसीलिए आपके मंच में आए हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि अब 4 दिन बचे हैं, जैसे मछली की आग दिखती थी ना, वैसे ही ये चाबी देखते रहो। ये चाबी तो ऐसी चाबी है, 100 तारा की एक चाबी है, ये 100 तारा की एक चाबी है। और सरकार बनेगी तो मैं समझता हूँ कि सारे काम भी हो गए, बच्चों की नौकरी भी लगेगी, ये हरियाणा भी आगे बढ़ेगा। और भाई यही कहने के लिए कि हमारे जितने साथी यहाँ पर आए हैं, हमें कह रहे हैं कि दुष्यंत जी ने कहा कि रविदास जी का मंदिर तोड़ दिया, और रविदास जी के मंदिर की लड़ाई भगवान वाल्मीकि के लखनऊ के मंदिर की लड़ाई, आज ये राजनीतिक लड़ाई है, इस चुनावी दंगल में हम हैं, इसके बाद सब मिलकर के आने वाले समय में सामाजिक लड़ाई भी लड़ेंगे और मिलकर के 36 बिरादरी के इस एक भाईचारे को कायम करेंगे। किसान मजदूर का, गरीब का, राजपुर